मॉर्निंग गाइज, आज भी मैं बिना नहाए सुबह सुबह ऑफिस आ चुका हूँ और काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। बहुत सारा ही काम है और बहुत सारा ही काम करना है। मतलब सुबह उठा कि नहीं, पापा चिल्लाना शुरू कर दी कि ऑफिस चलो, काम है बहुत सारा, सोए हुए हो। मैं उठ के सीधा ऑफिस आ गया बिना नहाए। मैं बोला नहाना धोना बाद में होगा, पहले जाके अपना काम खत्म करता हूँ। जो भी हो, काम मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, थोड़ी देर में काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद घर जाके मैं अपना नहाना धोना जो भी है करूँगा। ठीक है गाइज, तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर शुरू करता हूँ और आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे और देखते रहिए। तो गाइज मैं आ चुका हूँ ऑफिस से और आके मैंने नहा लिया है। देखो गाइज, मुझे बहुत जोर का भूख लग गया था और इसीलिए मैं अभी आ गया हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और चलिए मैं लंच करूंगा, बट मेरे घर पे नहीं, मैं कृषु के घर पे करूंगा क्योंकि आज मेरे घर पे कुछ अच्छा उतना बना नहीं है। चलिए मैं दिखाता हूँ क्या बना है मेरे घर पे। और कृषु और मैं ऐसा ही करते हैं, जब भी कुछ भी मेरे घर में अच्छा बनता तो वो इधर खा लेता, जब कुछ अच्छा बनता तो उसके घर पे मैं खा लेता हूँ। तो चलो दिखाता हूँ आज मेरे घर पे क्या बना है। तो गाइज देखो, आज बना ये छोटा मछली। ठीक है, पापा लेके आए थे छोटा मछली। छोटा मछली का क्या बोलते हैं इसे, चौचड़ी, ये सब बनाया है जो कि खट्टा खट्टा लगता है खाने में। मैं नहीं खाता हूँ ये छोटा मछली। उसके साथ है ये धनिया चटनी, जो कि पापा बहुत सारा धनिया ले आए थे तो मम्मी ने उसका चटनी बना दिया। देखो इमली डाल के ना मम्मी, इमली और लहसुन, अच्छा सूखा मिर्ची डाल के इसका चटनी बनाया है। और यहाँ पे है दाल, बस यही आज का खाना है। क्या कौन सा दाल है, अच्छा दाल बनाया है लाऊ देकर। ठीक है देखो, इसमें लाऊ और लौकी और दाल देके बनाया गया है, मसूर दाल। बस मैं नहा के आ चुका हूँ और अभी कुछ ही देर में मैं जाऊंगा कृषु के घर पे। और रोहन गया है स्कॉर्पियो में अपना जो है कांच के ऊपर कुछ फिल्म लगाने, वो जो धूप के वजह से, धूप जो गिरता है अंदर उससे बचने के लिए वो काला कलर का कुछ लगाया जाता है, मुझे ठीक से नहीं पता है। उस वो वहाँ पे वीडियो बना रहा है, मतलब ब्लॉग बनाया है, तो उसने बोला कि इसको ऐड कर लेना, तो वो गया है वहाँ पे, आप लोग देखिए। तो अभी अपने गाड़ी का ये सामने का भी कटिंग हो चुका है, सामने में मिरर का कैसा लगेगा अभी, बस उसमें एयर ना रहे, ये उसी में वही काम कर रहे हैं। ये अंकल एयर निकाल रहे हैं ना इसके अंदर से, ये कांच का सेप कर रहे हैं, सेप करके तो अंदर लग गया ना, जो बैंड कांच है ना, अगर ऐसे ऐसे लगाएंगे, अच्छा अच्छा प्लेन नहीं होगा। ओ अच्छा, तो अपने प्लेन कर ले रहे हैं। ये खाली अंकल बाहर से ही लगेगा ना, ये खाली बाहर से ही लगेगा ना, तो ये जो बाहर से लगा रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, खाली कटिंग कर रहे हैं। सामने से देखते हैं पोजीशन हो रहा है। ये साइड प्राइस है और ये रिंकू मोटर्स से लगवाया है हम लोगों ने। आपको कभी भी कहीं से लगवाना हो तो, कलकत्ता से लगवाना हो तो रिंकू मोटर्स इज बेस्ट। ब्लैक पिन लग चुके हैं और अपनी गाड़ी कुछ ऐसी लग रही है, साइड वाइज देखिए। ये ओरिजिनल वाले, लीगल वाले लगे हैं जो रोड परमिटेड है। गाइस आंटी के घर पे आज बना है पालक पनीर। पालक के वजह से आपको पनीर दिख नहीं रहा होगा, वेट में दिखाता हूँ। ये है पनीर और ये है चना दाल और मुझे लग गया बहुत जोर का भूख, मैं चला खाने। ठीक है, और यहाँ पे कृषु का अभी तक रोटी नहीं आया। तो गाइस अभी मैं खा के आ गया हूँ। ठीक है, पेट पूरा भर गया है, टनाटन लग गया है, पेट पूरा टन टन आ गया है। चल तू भी तो खा। तो अभी खाया मैंने दाल, चना दाल का सब्जी मीठा वाला और कपड़ा पालक पनीर। Later that same evening. Guys, अभी मैं बाजार गया था, वहां से चिकन और कैप्सिकम लेके आ गया हूँ। अभी बज रहे हैं शाम के 8 बज रहे हैं और चिल्ली चिकन बनाने का प्लान है, तो मैं भी जा रहा हूँ चिल्ली चिकन बनाऊंगा। Guys, अभी मैं किचन में हूँ और मैंने जो है चिल्ली चिकन का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है। मैंने एक चीज मिस कर दिया, मैं आप लोग को अभी फटाफट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये है चिल्ली चिकन का जो अभी पकौड़ा बनेगा उसका, मतलब मिक्स मैंने बना के रख दिया। यहाँ पे है चिकन, मैदा, कॉर्नफ्लोर और रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और ब्लैक पेपर पाउडर, ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आप चाहें तो गरम मसाला डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, बट मुझे अच्छा लगता है। और बहुत ज्यादा है तो मैं उसमें से कुछ पकौड़ा भी निकालूंगा, इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा मसाला ऐड किया है। नमक वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया, अब इसे मैं फ्राई करूंगा। ठीक है, इधर दिखा दो। यहाँ पे पहले जो है गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा तेल रह गया था कढ़ाई में, तो मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज
को ट्राई कर लिया है और इसी को मैं जो ग्रेवी है उसमें ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे देखो गाइस चिकन का पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है, अभी मैं निकाल रहा हूँ। पहले लो फ्लेम में इसे पकाना गाइस, जिससे कि अंदर का अच्छे से पक जाए, फिर उसके बाद इसको हाई फ्लेम में डालना। देखो बहुत टेस्टी बनाया गाइस। अगर आप खाना बनाते हुए अगर आपने पकोड़ा ट्राई नहीं किया तो क्या किया। द मेन इंग्रेडिएंट इज दिस, ये चीज है, इसको मैं ऐड करूंगा। इसी से बहुत अच्छा बन जाता है। अभी जो है मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सॉरी और उसमें मिर्ची ऐड किया, हरी मिर्ची और कुछ नहीं, बस तेल में उसी को डाल के उसे पका रहा हूँ। और उसके बाद ये इसका एक पेस्ट बनाऊंगा, उसको ऐड करूंगा, चिली सॉस एंड टोमेटो सॉस ऐड करूंगा, सोया सॉस ऐड करूंगा बस। गाइस देखो, अगर मैंने जो है अगर शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई नहीं किया होता तो मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में ही ऐड किया होता और इसके साथ अभी फ्राई कर रहा होता, बट जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसको फ्राई कर रखा है तो मैं अभी सिर्फ जो है मैंने यहाँ पे बना लिया सॉस, ठीक है। यहाँ पे टोमेटो सॉस वगैरह ऐड करके और वो जो चिंग्स चाइनीज का मैंने दिखाया उसको ऐड करके मैंने यहाँ पे थिक सा ग्रेवी जैसा बना लिया है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगा और इसे बहुत सारा पानी देके उबलने दूंगा और टेस्ट भी करूंगा कि कैसा टेस्ट आया। उसके बाद इसमें शिमला मिर्ची प्याज चिकन सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा। तो गाइस देखो, मैंने अभी जो है सब्जियों को ऐड कर दिया और अभी इसको बॉईल होने दे रहा हूँ हल्का सा। जैसे ही बॉईल हो जाएगा उसके बाद मैं सारे के सारे चिकन पीसेस को इसमें ऐड करके इसको ढक दूंगा। गाइस देखो, आज का डिनर जो है ये चिली चिकन विद पराठा, ये जाके गुड्डू से रोहन और किशु लेके आए, ठीक है। लच्छा पराठा है गाइस, लच्छा पराठा है ये और इसके साथ चिली चिकन। ब्लॉग में ही एंड करता हूँ, मिलते कल हम एक नए ब्लॉग के साथ। मुझे पता है आज कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, पर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का, इसके वजह से हम लोग बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो जो भी हो गाइस, मैं आप लोग को कहीं पे भी जाऊंगा तो शेयर तो करूंगा ही, और डेली ब्लॉग्स है गाइस तो डेली का रूटीन अपना शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग्स अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और हो सके तो शेयर भी करना और लाइक भी करना।